एमएस पेंट के फाइल को सेव कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करेंगे जो भी ड्राइंग बनाने के बाद, उसके बाद कंप्यूटर को एमएस पेंट की फाइल को क्लोज कैसे करेंगे और फिर कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करेंगे, ये हम आज की क्लास में इस सेशन में जो भी है सीखेंगे। नेक्स्ट पेपर, क्या आप जानते हैं कि एमएस पेंट क्या होता है और इसका उपयोग किस लिए करते हैं? क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं एमएस पेंट क्या होता है और इसका उपयोग किस लिए करते हैं? आप बताओ, पता है आपको एमएस पेंट? आपको बनाना हो उसके लिए पेंसिल का उपयोग भी कर सकते हैं इसमें। ठीक, बैठ जाओ। और आप बताओ सर, ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। चलो वीडियो देख लो। एमएस पेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम ड्राइंग करने के लिए करते हैं। एमएस पेंट के अंदर ड्राइंग करने के लिए जिन टूल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि कलर, पेंसिल, इरेजर, शेप्स और भी बहुत से टूल उपलब्ध रहते हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हम एमएस पेंट क्यों सीख रहे हैं। हम एमएस पेंट इसलिए पहले सीख रहे हैं क्योंकि एमएस पेंट का उपयोग करते हुए आप आसानी से कंप्यूटर को चलाना सीख जाएंगे। क्या आप एमएस पेंट क्या होता है डेफिनेशन आपको पता चल गया? क्या होता है एमएस पेंट? एमएस पेंट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग हम ड्राइंग करने के लिए करते हैं। ड्राइंग करने की जिन टूल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है वो सारे टूल्स एमएस पेंट के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब वो टूल कौन कौन से होते हैं, जैसे शेप्स, कलर, इरेजर, पेंसिल एक्सेट्रा, सब इसमें उपलब्ध रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। आपको पता है एमएस पेंट की फाइल को कैसे ओपन करते हैं? किसी को पता है एमएस पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं? रन कमांड से भी जा सकते हैं और स्टार्ट बटन से जा सकते हैं। अब जिनको पता नहीं होगा, अब जैसे आपको पता है कि रन कमांड से कर सकते हैं, स्टार्ट बटन से भी कर सकते हैं, अब उनको नहीं पता है, अगर मान लीजिए वीडियो में मिस हो गया तो क्या करेंगे? उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप एक्सप्लेन करेंगे, पर इसमें बताया गया है तो आप रन कमांड के बारे में एक्सप्लेन करोगे ना कि रन कमांड क्या होता है, स्टार्ट बटन क्या होता है, पर हमने भी कर रखा है। प्ले करो वीडियो वाले ठीक जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि एमएस पेंट की फाइल को कैसे ओपन करते हैं? आप एमएस पेंट को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। एमएस पेंट को खोलने के लिए तरीके कुछ इस प्रकार से है, पहला स्टेप वाइज, दूसरा शॉर्टकट कमांड। अभी आप स्टेप वाइज पेंट की फाइल को ओपन करना सीखेंगे। अगर आप विंडो एचपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 में से किसी एक विंडो का प्रयोग कर रहे होंगे, पेंट की फाइल को ओपन करने का तरीका इन सभी विंडो में अलग अलग होता है। विंडो एचपी, विंडो 8, विंडो 10 में पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं, इसके लिए आप अलग से दिए गए वीडियो को देखें। अभी आपको विंडो एक्सपी और विंडो 7 में एमएस पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं यह सिखाया जाएगा। अभी इसमें बताया गया कि आप एमएस पेंट की फाइल को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, पहला स्टेप वाइज, दूसरा शॉर्टकट कमांड। विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8 और विंडो 10 में एमएस पेंट की फाइल को ओपन करने का तरीका कुछ और होता है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है जो हम आपको दे देंगे, इसमें हमने उसे इंक्लूड नहीं किया है। हमने विंडो एक्सपी और विंडो 7 का दिया हुआ है इसमें, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेपरेट हैं और विंडो 8 और विंडो 10 इसमें अलग तरीका होता है, तो इसके लिए हमने अलग से बना रखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इन चारों विंडो का वीडियो ऐड कर दें,
तो ये ओपन करने का कितने चला जाएगा, आई थिंक यहां तक चला जाएगा। अब मान लीजिए क्लास हमारा चल रहा है, अब उनके पास विंडोज एक्सपी का है, विंडो एक्सपी सारे लैब में पड़े हुए हैं सिस्टम, तो उनका तो काम एक्सपी से चल जाएगा, बाकी तो बताया जा सकता है। इसलिए हम उनको ऐड नहीं किए कि ये हमारे लिए अभी जरूरत नहीं है। इसमें हम इनको दो चीज बताएंगे कि 7 में और एक्सपी में कैसे यूज होते हैं, और बाकी का अलग से वीडियो हमने बना रखा है, अगर वहां पे वो सिस्टम है तो उस वीडियो को प्ले कर दीजिए जो विंडो 8 और 10 के नाम से पेंट में है, कि उसमें कैसे ओपन करेंगे। बाकी इसमें तो है ही है 7 के लिए और एक्सपी के लिए। दूसरा शॉर्टकट तरीका वो बाकी आगे की क्लास में सीखेंगे, क्योंकि स्टेप वाइज बेसिक चीज है, तो हमने अभी उसी से काम चलाया। जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा, बच्चे समझते जाएंगे, हम उनको शॉर्टकट कमांड बताएंगे कि ये क्या होता है। अभी हम उनको बता देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पे नहीं बताया उस चीज को। आगे प्ले करो। सबसे पहले आप अपने पॉइंट, अब ये यहाँ पे देखिए दो विंडो आपको दिख रही होंगी, क्यों दिया गया है यहाँ पे, अब क्या एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए आप क्लास ले रहे हैं, आपके सामने ये दोनों विंडो आ गया, बच्चे ने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि ये क्यों दो विंडो दिख रहा है, अब क्या बताएंगे उनको। अब क्या आंसर करेंगे उनको, ये दो विंडो क्यों आ रहा है सर, दोनों ओपन करने का तरीका अलग है, उनको हम आंसर क्या करेंगे कि ये हमारा विंडो एक्सपी का है और ये विंडो 7 का है। अगर आप विंडो एक्सपी का यूज कर रहे हैं, जैसे बच्चों को समझ में ये चीज नहीं आएगा, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, आप उनको बताओगे कि ये ना कुछ अलग तरीके से है। जैसे पुराने समय कुछ एग्जांपल देंगे आप कि सबसे पहले लोग कैसे चलते थे, गाड़ी पैदल जाते थे, बैलगाड़ी, फिर जो भी चीजें आती गई कार बाइक जो भी है हुआ, वैसे ही ये विंडो एक्सपी है, पुराना है, कंप्यूटर का वर्जन है, तो इसमें थोड़ा कम फंक्शन होता है और इसमें कुछ ज्यादा आया। तो अगर आपके कंप्यूटर में ये वाला है तो इसको ध्यान से देखिएगा एक्सपी को, अगर आप 7 का यूज कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखें, ऊपर लिखा हुआ है विंडो 7, तो ये आप उनको बता देंगे कि लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे आ रहा है ये एक्सपी के लिए है। जब भी कंप्यूटर ऑन करेंगे तो अगर विंडो एक्सपी का होगा तो वहां पे लिख के आ जाता है विंडो एक्सपी, तो उससे पता चल जाता है विंडो एक्सपी है हमारा, है ना। को स्टार्ट बटन पर लेके जाए। अभी आप लोगों के पास कौन सा विंडो है, अभी जो आप यूज कर रहे हैं डेस्कटॉप, ये कौन सा विंडो है, दोनों मिक्स है, इसमें 7 और शायद एक्सपी है ना, मिक्स है ना आपके पास, वही चीज है। अगर मान लीजिए आप 7 यूज कर रहे हैं तो आप इसको देखेंगे, अगर एक्सपी यूज कर रहे हैं तो ये एक्सपी को देखेंगे, है कि नहीं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम मान लीजिए हमें तो पूरे सबको कवर करना है ना, तो हमने इसके लिए ये निकाला कैलकुलेशन कि एक ही स्क्रीन पे दो विंडो को हम दिखाते हैं ताकि एक्सपी वाला भी देख ले और 7 वाला भी। अब इसके लिए मान लीजिए हम एक सेपरेट विंडो बना दें कि भाई हमारा ये कोर्स ना विंडो एक्सपी के लिए है और ये विंडो 7 के लिए। अब क्लास में प्रॉब्लम क्या हो गया कि दोनों सिस्टम है, विंडो एक्सपी भी है, विंडो 7 भी है, तो हो गया प्रॉब्लम, हुआ ना प्रॉब्लम। मान लीजिए 10 सिस्टम है आपके लैब में, 5 एक्सपी और 5 7, तो 5 बच्चों को ही पढ़ाओगे ना एक टाइम में 45 मिनट में, बाकी 5 सिस्टम वैसे पढ़े रहेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास विंडो एक्सपी का सिर्फ कोर्स है, विंडो 7 के लिए अलग से है, दोनों एक साथ चलाएंगे नहीं, तो हमने इसको एक में बना दिया कि ताकि क्लास ना रुके। ट्रेनर जो होंगे हमारे पास आएंगे, उनको हम बता देंगे एक्सप्लेन करके कि ऐसे ये चीज करना है आपको, दोनों क्लास चलेगी एक टाइम में, दोनों विंडो से बच्चे पढ़ सकते हैं और आप 10 लड़कों को पढ़ा सकते हैं, 10 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो इसको हमने कंबाइन कर दिया। अब विंडो एक्सपी वाले इस विंडो को देखेंगे कहां पे कैसे जा रहा है, और 7 वाले इसको देखेंगे और ऐसे ही पेंट की फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। जो कि लेफ्ट कोने में है, उसके बाद उस पर माउस या टच पैड के
लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक करें। अब देखिए आपका क्लास स्टार्टिंग होगा, इस बॉक्स आपका क्लास स्टार्टिंग होगा, आप क्या करोगे? आप लोगों को तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, छोटे बच्चों को समझ में बिल्कुल नहीं आता है ये क्या चल रहा है, उनके लिए क्या करोगे आप? वीडियो जैसे ही आपको बताया गया, आपको अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पे लेके आना है, तो पॉइंटर आ रहा है स्टार्ट बटन पे, यहाँ पे वीडियो रुक गया, आपने रोक दिया। अब उनको बताओगे कि देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये स्टार्ट बटन होता है, यहाँ पे अपने पॉइंटर लेके आना है। आप क्लास में हो, आपके क्लास में 30 बच्चे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, सबको जाके सिस्टम एक एक करके नहीं बता पाओगे, सबको कहोगे सब लोग इस स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये जो तीर दिख रहा है आपको, ये तीर कहाँ पे है? जैसे हमने यहाँ पे लाया, वो आपका तीर अगर यहाँ पे है तो यहीं पे उनको समझाना कि आप इस तीर को ध्यान से देखना, ये तीर कहाँ जा रहा है। नीचे की तरफ आया, यहाँ पे आया, आपने रोक दिया, इसको हम स्टार्ट बटन पे स्टार्ट बटन बोलते हैं। अगर 7 है तो यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट बटन, विंडो XP में, विंडो 7 में नहीं लिखा हुआ है, बस साइन सिंबल बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है स्टार्ट बटन का। इस चीज को आप उनको एक्सप्लेन कर दोगे वहां पे। यहाँ पे क्या करना है आपको, अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, जो कि वीडियो में ऑडियो में बताया जा रहा है कि स्टार्ट बटन पे आने के बाद आपको लेफ्ट बटन क्लिक करना है, एक बॉक्स ओपन होगा, उसके बाद फिर आगे वीडियो प्ले कर देंगे, एक स्टेप आएगा उसको करेंगे, फिर वीडियो प्ले कर देंगे दूसरा स्टेप, ऐसे पेंट की फाइल ओपन करना वो सीख जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं इस चीज को एक दो बार और इसी क्लास में प्रैक्टिस करा दें हम क्लोज करा के, तो आप उसको फाइल को क्लोज कराइए, दोबारा से ओपन कराइए, उनको वहीं पे सिखाइए, एक बार दो बार तीन बार समझ में आएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को पीछे करना है।